सॉरी बाबा मेरे ऊपर गुस्सा मत हो। मैं बोली ऐसे, फिर मेरे मन में कल पत्रकार आए तो मेरे मन में एक विवेक भैया करके हैं। अच्छा। मैं बोली भैया आपको भी महाराज जी पैसा दे दिए होंगे, मैं आज सब बताऊंगी यहाँ महाराज जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। नहीं सुन लो पत्रकार महोदय, विवेक भैया को बुलाना चाहूंगी। विवेक भैया को बोली मैं कि भैया आज ऐसा कुछ करो। कहाँ गए वो, कहाँ गए कल जिनकी अर्जी लगी थी वो, कहाँ गए? नहीं दूसरे भैया हैं, दूसरे इधर विवेक चौबे करके, तो उनको मैं उनसे बोली तुम तो पैसा लाएगा भैया? नहीं 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 इधर आओ तुम और आज अपनी सच्चाई। हाँ अब देखो जो सबके मन में मलाल हुई है, ये तो बहाना है, सबके मन में मलाल हुई है कि गुरुजी जिन्हें बुलाए हैं। उसके बाद मेरे मन में ये आया, मेरे भाई फोन किए, बोले कि तू भी तो पूजा पाठ बहुत दिल से करती है, हम लोग तेरे को मानते हैं। यही नहीं अभी और सुनिए कि तू जो बोलती वो होता घर में। तो मैं बोली अब मैं दुविधा में हूँ, मैं बोली बालाजी को तो मैं भी मार, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ वो तो मतलब ऐसा घटना। इनका कहना है कि रुपया नहीं है। नहीं नहीं छुट्टी गुरु जी, देखिए एक कल से लोग जो है जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है, और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए। भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है।